खेल के मैदान से आपको खबर दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 के क्वालिफायर मुकाबले में बोलिविया ने अर्जेंटाइन को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। लापास बोलिविया में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने मैच के आगाज से ही तेज खेल का मुजाहरा किया। बोलिविया के जुआन कार्लोस ने 31 मिनट में गोल करके अपनी टीम को बढ़ोतरी दिला दी। दूसरे हाफ के आगाज में बोलिविया के मार्सिलो मार्टिनेज़ ने गोल करके अपनी टीम की बढ़तरी 2-0 कर दी। अर्जेंटाइन की टीम मैसी के बगैर मैच में गोल करने में नाकाम रही। मुकर्रा वक्त के इख्तिताम पर बोलिविया ने अर्जेंटाइन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली। वाज़े रहे कि मैच के आगाज से चंद घंटे कबल अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मैसी पर 4 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई थी। मुंतजमीन के मुताबिक मैसी पर पाबंदी चिली के खिलाफ मैच में रेफरी से तल्ख कलामी पर आयद की गई। अर्जेंटीनियन कोच का ये कहना है कि पाबंदी के खिलाफ अपील की जाए। पाबंदी बरकरार रखने की सूरत में अर्जेंटाइन को अपने आइंदा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबलों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।